तू मेरा अब्दुल है ना इसलिए। बेसिकली दोनों ही डिफरेंट आइटम है, तो वड़ा पाव भी फेमस है और पाव भाजी भी फेमस है। इस पाव भाजी का मुझे टेस्ट बहुत आउटक्लास लगा है, मुझे वैसे पसंद नहीं है इतनी पाव भाजी। अच्छा। मैंने पूरा खा लिया, बहुत मजे किया। चले सब मिक्स्ड है यहाँ पे, सारे मिक्स्ड रहते हैं, मुस्लिम क्रिश्चियंस, यहाँ पे हिंदूज भी बहुत है, क्रिश्चियन भी, मुस्लिम भी, सारे मिक्स है इधर। भाई का चैनल है RSK फूड्स एंड ट्रेवल। डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद एवरीवन। मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा रिस्पांस दे जाएगा हमें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राना सैफुल्ला खान और आप देख रहे हैं RSK फूड्स एंड ट्रेवल। मेरे व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुनिया भर में मशहूर होने वाली कविता दीदी के ईट एक्सप्रेस पॉइंट पे, और हम भी यहाँ पहुँच चुके हैं कविता दीदी से बात करने के लिए। तो भी बड़े दिलचस्प किस्म के उनसे सवालात भी करेंगे और मज़े के जो है वो आपको फूड भी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रेडी की जा रही हैं। और इस कविता दीदी के एक्सप्रेस ईट ये जो पॉइंट है, इसके अलावा यहाँ पर लेफ़्ट राइट फूड के कौन कौन से पॉइंट जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, ये पॉइंट कब ओपन होता है, कब बंद होता है, ये सब चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तो आ जाइए मेरे साथ। अच्छा जी, कविता मैडम हमारी जो है ये अब किसी तारुफ की मोहताज तो रही नहीं है, दुनिया भर के अंदर फेमस हो चुकी है। वड़ा पाव 80 सर, पाव भाजी 170। ख्याल कैसे आया कि यहाँ पे एक फूड पॉइंट जो है वो होना चाहिए? बेसिकली मैं खुद एक फूडी हूँ, तो ये चीज़ें खाने के लिए मुझे बड़ा दूर और जाना पड़ता था, तो मैंने बोला क्यों ना यार मैं जो चीज़ मुझे पसंद है वही चीज़ से मैं एक स्टार्टअप लूँ। तो इनिशियल यही था कि चलो जो चीज़ मुझे पसंद है वही लगाओ, वही लोगों को खिलाओ, जो टेस्ट मुझे पसंद आता है वैसा ही टेस्ट लोगों को चखाओ, तो बस ये था। और मैंने लगा दिया, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा रिस्पांस दे जाएगा हमें। तो मतलब आपने सोचा ये कि कहीं जाके खाने की बजाय सब लोगों को अपने पास यहाँ बुला लिया जाए। एग्जैक्टली, खुद भी खा लेती हूँ जब दिल चाहता है और लोगों को भी रोज़ खिला रहे हूँ। ओनली मंडे वी आर क्लोज। अच्छा जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा ना हो कि आप मंडे को यहाँ पे आएँ और कविता दीदी आपको यहाँ ना मिले। मंडे चूंकि ऑफ होता है, तो मंडे के अलावा आप जो भी वीकेंड है, हाँ। जो भी 6 to 10 वी आर अवेलेबल। 6 to 10 आप यहाँ पे आ सकते हैं। 6 बजे शाम से लेकर रात 10 बजे तक कियोस्क जो है वो आपके लिए ओपन है। सर क्या नाम है आपका? मीसम। अच्छा मीसम साहब, मुझे ये बताएं कि कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं फडलबेरिया से। जबरदस्त भाई, ये तो काफी दूर से तशरीफ आए हैं आप। तो अभी तो आपसे मैं रिव्यू ले लेता हूँ, क्योंकि अभी आप सब कुछ ही तकरीबन ट्राई कर चुके हैं। तो मुझे बताएं कि फेडरलबेरिया आप लोगों के, तो बल्कि वहाँ पे हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट है, वहाँ पे भी खाया होगा वड़ा पाव और यहाँ पे भी खाया। अच्छा, वहाँ पे कैसे लगे आपको? मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ मिलता है नहीं मिलता, लेकिन एक्चुअली वड़ा पाव जो ये वाला है वो बहुत अच्छा वड़ा पाव है, और पाव भाजी तो सबसे अच्छी है। नोड़ा ट्राई किया, ये वाला मजा नहीं है वहाँ पे, ये वाला मजा नहीं है। तो फिर ये वाला कविता दीदी के लिए थम्स अप हो जाए। हाँ जी चलें जी, जबरदस्त। थम्स अप नहीं, बहुत सारी दुआएं भी, इंशाल्लाह और तरक्की करें, अपना रेस्टोरेंट खोले माशाल्लाह। पाव भाजी का मुझे टेस्ट बहुत आउटक्लास लगा है, मुझे वैसे पसंद नहीं है इतनी पाव भाजी, लेकिन मैंने पूरा खा लिया, बहुत मजे किया। तो सबसे अच्छी बात तो हाइजीन जो है ना, हाँ। उसका बहुत ख्याल जो है ना वो रखते हैं, वो हाँ वो बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग मामू, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हुसैन, आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम डिफेंस एंड द फूड हियर इज रियली अमेजिंग, आई वुड रेकमेंड यू ट्राई इट। थैंक यू। तो आंटी मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललिता। ललिता मैडम, ये बच्चों पे माँ बाप जो है वो बड़ा फख्र करते हैं कि बच्चे जब आगे निकल जाते हैं और शोहरत हासिल कर जाते हैं, बिजनेस में अच्छा नाम पैदा कर जाते हैं जी। कैसा महसूस कर रही हैं आप कि आपकी बेटी कविता जो है वो माशाल्लाह से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे दुनिया उनको देख रही है, कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और फख्र करती हूँ मैं अपने बच्चों पे। यहाँ पर तीनों मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, सब पे फख्र है मुझे, और कविता ने ही सबको बोला है कि भाई ये करना है, अगर देखो कर सकते हो तो करो। 8 महीने से तो हम दोनों बैठे हुए थे, तो फिर आस्ते आस्ते इनको भी शौक हुआ कि हम भी आ जाते हैं, भाई भाभी को शौक हुआ वो भी आ गए। पापा मम्मी तो थे, लेकिन इन लोगों ने भी फिर ज्वाइन कर लिया सबने हमें। तो वही कविता दीदी के पैरेलल जो है ये बड़ा एक खूबसूरत सा एक कियोस्क जो नज़र आ रहा है आपको, ये सर हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जितेंद्र गरियाल नाम है। जितेंद्र साहब, तो जितेंद्र साहब मुझे ये बताएं कि क्या क्या आइटम सर्व कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे पास चिकन तवा कलेजी है, चिकन कीमा बन है, प्रॉन्स बारबेक्यू सीख है, चिकन बोटी है, पोटा सीख है, वाइट सॉस पास्ता होता है और चिकन विंग्स है। ये सारे आइटम मेरे पास है। एक जो ज़बरदस्त चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कविता दीदी के पास आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको प्योर वेज फूड जो है मिलेगा, और अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो जितेंद्र भाई के पास आएंगे आप, और यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के आइटम जो हैं वो बन रहे हैं। बेसिकली ये कविता का ही आइडिया था। कविता के पास वेज वाले जो आते थे, आधी फैमिली वेज आधी नॉन वेज होती थी, तो वो कहते हम क्या खाएं। तो फिर उसने मुझे बोला कि आप अच्छा बनाती हो दीदी, तो आप अपना ये वेज नॉन वेज का आइटम्स आप लगा लो, आप घर में भी अच्छा बनाती हो तो इधर भी आप वही सर्व करो जो घर में बनाते हो। तो अभी हम भी जो है वो वेज और नॉन वेज दोनों ट्राई करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसका रिव्यू आपको देते हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे श्रिम्प्स भी नजर आए, प्रॉन्स नजर आए हैं। तो प्रॉन्स का क्या सिर्फ बारबेक्यू बना रहे हैं? जी, बारबेक्यू बना रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त जी। और ये जो आइटम है ये क्या है? ये चिकन तवा कलेजी। ये है चिकन तवा कलेजी, जरा भाई करीब से दिखाएं। अच्छा, इसकी फिलिंग जो है, ये बर्गर जो आप देख रहे हैं इसकी फिलिंग ये तवे के ऊपर पहले कलेजी जो है वो मसालों में बनाई जाती है और उसके बाद इसका बर्गर बनाया जाता है। फिलिंग के तौर पे ये कलेजी इस्तेमाल की जाती है और क्या ही उम्दा किस्म का टेस्ट। और गार्निशिंग आप देखें तो गार्निशिंग में क्या क्या आइटम इस्तेमाल हो रहे हैं? चिली होता है, गुड भाई गुड, और लेमन को हम थोड़ा धनिया के साथ कहते हैं कि होता है ये गर्ची तासीर गर्म है, तो ठंडा थोड़ा सा ठंडा रखने के लिए इसके अंदर थोड़ा धनिया भी डाल। तो ये आप देखेंगे फुली जो है वो फूड का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि उसकी जो अफादियत है वो भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो क्या नाम है आपका? संदीप कुमार लाड़काना। कुमार साहब मुझे ये बताएं कहाँ से तशरीफ लाए हैं? हम लाड़काना से। सर अरे लाड़काना से स्पेशल दीदी का वड़ा पाव खाने के लिए? बिल्कुल, दीदी का वड़ा पाव खाने, वड़ा पाव और अपना पाव भाजी, रोल, जो भी जो वेजिटेरियन में दीदी के बस एक क्लास में। तो मुझे ये बताएं कि लाड़काना में भी इस टाइप की कुछ चीज़ें मिलती हैं क्या? लाड़काना में जैसे ये प्योर वेज, हम वेजिटेरियन है, ठीक है, अच्छा वेजिटेरियन है, ये जैसे प्योर वेज ऐसी चीज़ें कम मिलती हैं और उनका जो टेस्ट है और उनके जो प्राइजेज है वो भी रीजनेबल है। चूंकि आप वेजिटेरियन है तो मेरे ख्याल से बड़ा एक लिमिटेड सा चॉइस होता होगा आप लोगों के लिए। ओवरऑल देखा गया कराची शहर जो है और ओवरऑल हर जगह पे पाकिस्तान में कहीं भी चले जाए गोश्त जो है वो बड़ा एक जबरदस्त डिशेज और इस तरह की है। वेजिटेरियन में वैसे आप अगर देखना चाहें कि यार कभी निकले बाहर और कुछ वेज खाने का मूड हो रहा हो, वड़ा पाव के अलावा भी कुछ वैरायटी कराची के अंदर है जहाँ पे आप जाते हो? वड़ा पाव के अलावा जैसे रेस्टोरेंट है वहाँ पनीर, मशरूम्स, ये वैरायटीज हमारी मिलती है। ओके, तो ये तो आपके लिए बड़ा जबरदस्त एक डिशेज कराची में इजीली जो है ना वेज बिरयानी दूसरी जगह पे मिल जाती है, लेकिन जैसे यहाँ आइटम है 5-10 आइटम मिल जाते हैं। जबरदस्त, हाँ जबरदस्त। ये से अब्दुल्ला भैया, तू मेरा अब्दुल्ला है ना इसलिए। अच्छा, वड़ा पाव पाव भाजी में दोनों में क्या आइटम जो है वो आपका फेमस है जो लोग ज्यादा यहाँ पे आते हैं और एंजॉय करते हैं? बेसिकली दोनों ही डिफरेंट आइटम है, तो वड़ा पाव भी फेमस है और पाव भाजी भी फेमस है, क्योंकि लोगों के लिए दोनों डिफरेंट वैरायटी हम लेके आए अलग से कुछ। जबरदस्त यार, ये हमारे छोटे फ्रेंड जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफी देर से मैं इनको देख रहा हूँ, ये गेम खेल रहे हैं। ये कौन सी गेम है? क्लैकर नाम है इसका, क्लैकर। और इसके अलावा कौन सी गेम आती है आपको? मुझे रूबिक क्यूब सॉल्व करने आ जाता है और कैरम बोर्ड खेल लेता हूँ, लूडो खेल लेता हूँ, हर चीज में मुझे आता है। ओहो जबरदस्त। फिर अब ये बताओ कि खाने में क्या क्या पसंद है? पोटा कलेजी, हर चीज। तो यहाँ पे बन रही है जबरदस्त भाई। तो ये बताओ कि वड़ा पाव भी पसंद है? जी, पाव भाजी भी अच्छी है। पाव भाजी भी अच्छी है जी। गुड यार जबरदस्त। तो बस हम भी ट्राई करने के लिए आए हैं, तो देखते हैं कि आज कितना जबरदस्त जो है वो यहाँ पे टेस्ट जो है अभी चेक करते हैं उसका। आप बिल्कुल करें, आपको इतना मजा आएगा ना। ओए होए, गुड, थैंक यू, वेलकम। मैम इधर ही खाएंगे? ठीक है, देख लो एक बार आप भी। कविता मैडम मुझे ये बताएं कि बीइंग वुमन कितना आसान है और कितना मुश्किल है बिजनेस करना? Being woman or being a man, nothing is difficult. If you have guts, you should come out. ये तो जी बड़ी motivational line है कि आप औरत हैं या मर्द, it doesn't make any difference. Doesn't matter, yes. कोई difference नहीं होता. आप लड़की हो के लड़का हो, अगर आपकी family आपके support में है, तो आप हर चीज कर सकते हो. और ये लोग भूल जाए कि पाकिस्तान में औरतों के लिए मुश्किल है कारोबार करना. औरतें ज़्यादा अच्छा कारोबार करती है आदमियों से. गुड. तो ये जी हमारी ख़वातीन के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक मोटिवेशन है कि यू शुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस. ज़रूर. एग्जैक्टली ये किस जगह पर पॉइंट मौजूद है? सर ये एक मेन कैंट स्टेशन रहमत-ए-शरी के बैक साइड पे है. 1i बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है लोकेशन हमारी. जबरदस्त. तो यहाँ पे वड़ा पाव, पाव भाजी और इसके अलावा भी कुछ आइटम्स आप सर्व कर रही हैं? मेरे पास वड़ा पाव, पाव भाजी, वेज रोल, दाल समोसा और गर्मी के लिए हमने सोडास लगाए हुए डिफरेंट फ्लेवर्स में. ये सामने जो आपको कियोस्क नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको लिमका और सोडा इस टाइप के ड्रिंक्स मिलेंगे. इनको भी आप जरूर ट्राई करें. नॉर्मल रेट से भाई फ्रेंच फ्राइज हमारे 50-100 के हैं. पाव भाजी हमारी 170 की पर प्लेट है. सिंगल सर्विंग होती है विद 2 बंस. वड़ा पाव सिंगल पर्सन 1 पीस 80 रुपीज़. वेज रोल हमारे 40 के है. एक दाल समोसा 130 का है. और बन फ्राइज हमारा स्पेशल एक हमने इजाद किया है, इसको आप कह सकते हो, 50. और बाकी आपको हमारे सोडास मिल जाएंगे. 120 सोडास की प्राइस है. डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे. पानी 40, पेप्सी, 7 अप, स्ट्रिंग वगैरह नॉर्मल प्राइसेस जो हमारी रिटेल प्राइसेस है. मैंने जब स्टार्ट किया था तब तो मैं भी बहुत नर्वस थी और कंफ्यूज थी कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा. मगर मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ जो यूट्यूबर्स आए, जो टिकटॉकर्स आए और जिन्होंने एज अ सिस्टर मुझे प्रमोट किया विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी उनका कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं. तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ. तो सोचा नहीं था कि इतना फेमस हो जाएगी कि वर्ल्ड वाइड तक हमारी वीडियोस जाएगी. तवा कलेजी बन जो है वो हमारे लिए रेडी कर दी है. वाह, ये ऑर्डर रेडी हो चुका है. तो ये भाई कविता दीदी के पाव भाजी जो है ये भी ट्राई करते हैं. शॉपर दे मुझे 2. ये है जी तवा कलेजी वाला बन. एक पाव काट सकते नहीं इधर ही. एक पाव भाजी इधर लाओ. एक पाव भाजी इधर ही आपकी क्या? एक पाव भाजी और 50 की प्राइस भी है मैम की. तो मेरे ऊपर ये था हमारा आज का व्लॉग कविता दीदी के पॉइंट पर. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. भाई का चैनल है RSK Foods and Travel. Do subscribe and like and share with everyone.